विजिट कर रही है हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से क्या डिमांड्स हुई हैं और किस तरह का रिस्पांस है मीटिंग की? हमने प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है, हमने उनके पास वो बात रखी। हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमारे पास जंगल है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, अगर हम जंगल काटने की परमिशन देते हैं तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमें उपेक्षा होती है। हमने पूरी तरह जंगलों पर 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है उस पर बैन लगा रखा है, उस मामले को भी आप ध्यान में रखिए। और जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिल रही है वो इस वर्ष सिर्फ 3,000 करोड़ के करीब रह गई है, उससे पहले पिछली जो सरकार थी उसमें 10-10 हजार करोड़ रुपया आती थी, अब सिर्फ 3,000 करोड़ रुपया रह गई है। और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं, उस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको दे देंगे। हमने कहा कि हमारा RDG ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए, 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, हिल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, पैमाने प्लेन इलाके के नहीं चलेंगे, पहाड़ में कुछ और बात होती है, इस संदर्भ में हमने बात की है। और मेरा मानना है कि हमने सभी बातों को गंभीरता से रखा और इस पर जल्दी ही आने वाले 1-1.5 साल बाद जब फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा तो उसमें यह बातों का ध्यान रखेगा।